हेलो दोस्तों, गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा सा है। और इस गूगल को चलाने वाले एक भारतीय है जिनका नाम सुंदर पिचाई है। सुंदर गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं। तो आज हम जानेंगे कि सुंदर चेन्नई की गलियों से कैसे बने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ। सुंदर का पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है। सुंदर का जन्म 10 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। सुंदर के पिता का नाम रघुनाथ और माता का नाम लक्ष्मी पिचाई। पिता का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने का बिजनेस था। सुंदर अपनी फैमिली के साथ अशोक नगर के एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। सुंदर ने अपनी 12वीं तक की स्कूलिंग जवाहर विद्यालय से की थी और बाद में IIT के एंट्रेंस एग्जाम दी तो उसमें क्वालिफाई हो गए। तो सुंदर अपनी मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT खड़गपुर चले। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग पूरी की। वहाँ से सुंदर को सिल्वर मेडल के साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। सुंदर अपनी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड चले गए। वहाँ से MS की डिग्री पूरी की। बाद में US में एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर जॉब की। कुछ समय जॉब करने के बाद उनका मन MBA करने का हुआ तो जॉब छोड़कर MBA करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। MBA पूरी की। उसके बाद उनको कई कंपनी में जॉब के ऑफर्स आए, लेकिन सुंदर ने मैकेंसी एंड कंपनी में जॉब करना सही समझा। वहाँ कुछ समय जॉब करने के बाद 1 अप्रैल 2004 को सुंदर ने गूगल ज्वाइन की। सुंदर जब गूगल में इंटरव्यू के लिए पहुँचे थे तब गूगल अपने नए प्रोडक्ट जीमेल की टेस्टिंग कर रहा था। तभी इंटरव्यूअर ने सुंदर को जीमेल के बारे में पूछा तो सुंदर को लगा कि वो उनको अप्रैल फुल बना रहा है, तो सुंदर थोड़े से नर्वस हो गए। फिर बाद में सुंदर ने पूछे गए सारे सवालों का अच्छे से जवाब दिया और गूगल में जॉब पक्की होने के बाद सुंदर ने अपनी टीम के साथ गूगल टूल बार पर काम किया। उस समय गूगल टूल बार सर्च के लिए फायरफॉक्स पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। तब सुंदर ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी गूगल को हटाकर अपना खुद का इंटरनेट ब्राउज़र वहाँ पर सेट कर देगा और गूगल वहाँ से परमानेंटली हट जाएगा। सुंदर ने इसका सिंपल सा सॉल्यूशन सजेस्ट करते हुए कहा कि गूगल को अपना खुद का ब्राउज़र बना लेना चाहिए। इस आइडिया को सुंदर ने उस टाइम के उनके सीनियर और गूगल के CEO एरिक स्मिथ के साथ डिस्कस किया, पर एरिक स्मिथ ने कहा कि अपना खुद का ब्राउज़र बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा और इस आइडिया को नकार दिया। पर सुंदर नहीं माने और इस आइडिया को सुंदर ने गूगल के फाउंडर लैरी पेज को बताया और ब्राउज़र बनाने के लिए मना भी लिया। फिर 6 महीने में सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ब्राउज़र बना लिया, उसका नाम गूगल क्रोम रखा। 2006 में जो डर था गूगल को वही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल सर्च बार को हटाकर बिंग को अपना बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर दिया, पर सुंदर भी इसके लिए रेडी थे। सुंदर ने बिंग में एक लूप ढूंढ निकाला और जिसमें कोई भी यूजर्स बिंग पर जाता तो एक पॉपअप विंडो ओपन होती और वो फिर से गूगल क्रोम पर आ जाता। इसी तरह सुंदर ने गए हुए 60% यूजर्स को वापस रिटेन कर लिया। तभी आज आप जानते हैं कि गूगल क्रोम कितना सक्सेसफुल ब्राउज़र है। सुंदर के इस आइडिया से इंटरनेट की दुनिया में नया बदलाव आया। तो गूगल ने सुंदर को प्रमोशन देते हुए 2008 में प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। बाद में सुंदर ने गूगल के कई और सारे प्रोडक्ट को ऐड किया, जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल मैप, गूगल क्लाउड। इसी प्रोग्रेस की वजह से सुंदर टेक वर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन गए और गूगल ने 2012 में सुंदर को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2013 में सुंदर ने गूगल के प्रोडक्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम किया और एंड्रॉयड को एक नए सफलता के स्तर पर पहुंचाया। तभी आज पूरे वर्ल्ड में 83% स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही यूज होता है। इसी तरह सुंदर ने गूगल के कई सारे प्रोजेक्ट को हेड किया और उन्हें सफल बनाया। तभी सुंदर CEO की दौड़ में भी शामिल हो गए। सुंदर को 10 अगस्त 2015 में गूगल का CEO बना दिया गया। सुंदर को गूगल का CEO बनाने का बड़ा कारण यह भी था कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर ने सुंदर को CEO की पोस्ट भी ऑफर की थी। सुंदर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुंदर ने अपने क्लासमेट अंजलि से शादी की है और उनके 2 बच्चे भी हैं। सुंदर ने आज गूगल को काफ़ी बड़े मुकाम पर पहुँचाया है। आज गूगल की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन यानी कि तकरीबन 70 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है। गूगल अपने एम्प्लॉय की फैसिलिटी के लिए सालाना 500 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च करती है और इस गूगल को चलाने वाले सुंदर पिचाई की सैलरी पैकेज 1700 करोड़ से भी ज़्यादा की है।
लास्ट में बस इतना ही दोस्तों कि तमिलनाडु की गलियों से निकला हुआ एक सामान्य लड़का अपने ड्रीम्स और पैशन को फॉलो करते हुए दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। आप भी अपने ड्रीम्स और पैशन फॉलो करते रहे, आपको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।